यहां के नेता बाबूलाल जी कहते हैं कि सरकार गिरा दो, सरकार बदल दो। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भाई सरकार ऐसे नहीं गिरता है, जनता के द्वारा चुना हुआ यह सरकार है, इसको कैसे हम गिरा दें। लेकिन ये लोग लोमड़ी जैसा एकदम टुकुर टुकुर बैठा हुआ है कि ये उतरेगा, हम लोग जाके बैठ। राजनीतिक मैदान में तो अब ये लोग भूल गए, अब इनका बस की बात नहीं है राजनीतिक मैदान में हमारे समक्ष आके खड़े हो पाए। तो अपने संस्थाओं का दुरुपयोग करो, चाहे महामहिम का हो, चाहे और भी संवैधानिक संस्था हो ईडी सीबीआई के माध्यम से। खैर कोई बात नहीं, हम लोग घबराते नहीं। हम लोग नेतृत्व करता है इस राज्य का आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों का, जिसका घर अपना जेबे फटा हुआ, उससे क्या हम लेंगे बताओ। हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है, हम गरीब पिछड़ों का जनप्रतिनिधि। ना गांव में योजना जाता था, ना सरकार की आवाज, ना सरकार का दया दृष्टि, कभी भी नहीं। लेकिन आज दिन बदल गया है, आज पदाधिकारी गांव भी जाएगा, योजना भी जाएगा, और उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री भी जाएगा। खैर ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है। बहुत सारा बात था, 15 करोड़ ये आएगा वो आएगा, सबके खाते में 15 लाख की कितना लाख जाएगा, ये सब सुने थे ना जी, किसी का आया नहीं। बड़ा तरीका से इन लोगों ने गरीबों का थाली से पहले सब्जी निकाला, दाल निकाला, चावल भी निकल गया, अब खाली थाली लेके बैठा, वो भी थाली किसी दिन लेके चला जाएगा। अभी बजट आया है, बजट में गरीबों के ऊपर जो सबसे कारगर योजना मनरेगा था उसमें घटा दिया। अजीब हालत है यार, क्या कानून का पाठ पढ़ना इन्हीं को पता है, बाकी किसी को नहीं पता देश में। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक, वो जो कानून कर्नाटक बनाता है वो संवैधानिक हो जाता है। वाह क्या बात है। कोई बात नहीं, ये लड़ाई भी लड़ेंगे। सीएनटी एसपीटी पिछला सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सीएनटी एक्ट को बदलना चाहता था, एसपीटी एक्ट को बदलना चाहता था, राज्यपाल महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने उसको सरकार को वापस कर दिया कि सीएनटी एसपीटी में कोई बदलाव नहीं होगा। और जब हम सीएनटी एसपीटी को और मजबूत करना चाहते हैं 1932 के मदद से, तो ये लोग बोलता है नहीं, विवाद खड़ा हो जाएगा, नया विवाद को जन्म दो, मत दो नया विवाद का। आदिवासी दलित पिछड़ा अपना हक अधिकार जब मांगता है तो उसको विवाद ही लोग संज्ञान देता है। जब हम अधिकार की मांग करेंगे तो असंवैधानिक है, हम अलग राज का मांग करेंगे तो असंवैधानिक है। लेकिन ये लोग हमारा गरीबों को आवास देने का आवंटन जब नहीं देगा तो वो संवैधानिक है। हम अधिकार मांगेंगे, हमको अनाज एफसीआई से दो, वो नहीं मिलेगा तो संवैधानिक है। क्या बात है। ये लोग जब डबल इंजन का सरकार था, 11 लाख राशन कार्ड इन लोगों ने गरीबों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया। हम सरकार बनने के बाद 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों को उससे जोड़े। और जब हम उसके लिए राशन खरीदने के लिए भारत सरकार को बोलो कि हमको अपना सरकारी दुकान से राशन खरीदने का अनुमति दो, तो अनुमति नहीं मिलता है। ये उसके लिए संवैधानिक है, हमारे लिए असंवैधानिक है। और अंतोगत्वा इन लोगों ने हमें हरा राशन कार्ड के लिए राशन नहीं दिया, और आज हमको यह निर्णय लेना पड़ा कि बाजार से महंगे दर पर राशन लेकर के गरीबों को बांटने का काम करना पड़ रहा है। तो अजीब हालत है। आज राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया जो खनिज संपदा निकाल करके कोयला खदान वाला सब सरकार का पैसा नहीं दिया, आजादी के बाद सरकारी जमीन से निकला हुआ खनिज संपदा का 1 रुपया ये लोग नहीं दिया। भारत की आजादी के बाद जब हम पलटा पलट के देखे तो 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया हमारा निकल गया। हम बहुत खुश हो गए कि अगर इतना पैसा मिल जाएगा तो फिर तो ये
इस राज को अगले 10 साल के अंदर जो पिछड़ा राज का इसका कलंक है इसको हम लोग धो देंगे। लेकिन दुर्भाग्य जब 1,36,000 करोड़ का मांग करने पहुंचे तो उन लोग का माथा चकरा गया कि इतना बड़ा पैसा कैसे देंगे, भारत सरकार खुद नंगा हो जाएगा। तो हमारे पीछे भेज दिया, भाई सांप सब जाओ उसको काटो। सीबीआईडी करके हमने इधर उधर से सब रोजगार भी बंद। आज जिस तरीके से राजनीतिक मैदान में, तो अब ये लोग भूल गए, अब इनका बस की बात नहीं है राजनीतिक मैदान में हमारे समक्ष आके खड़े हो पाए। तो अपने संस्थाओं का दुरुपयोग करो, चाहे महामहिम का हो, चाहे और भी संवैधानिक संस्था हो ईडी सीबीआई के माध्यम से। खैर कोई बात नहीं, हम लोग घबराते नहीं है। हमसे मिलेगा क्या यार, हमारे घर में जाके तुमको मिलेगा कौन चीज? हम नेतृत्वकर्ता किसका है तुमको मालूम है? हम लोग नेतृत्वकर्ता इस राज